अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, शाही नगर वादी मुस्तफ़ा वादी हबीब अल नादी होटल के पास मुसलसिल आवाम परेशान हैं। यहाँ पर राशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये लोग क्राइम टुडे से रुजू होकर ये सारे तफसीलात बताई। जरूरी है कि यहाँ पर भी राशन पहुँचाया जाए, ताकि ये लोग भूख से ना तड़पे और ऐसे परेशान ना हो। तकी रहमान और अहमद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। मुस्तफ़ा से बोल रहा हूँ। हमारे पास यहाँ कोई सहूलत है ना, पानी की टैंकर आ रही है, ना नल खोल रहे, ना कुछ भी नहीं, बहुत परेशानी जा रही है। और हमारे पास ना कोई सहूलत नहीं है हुकूमत के तरफ से, ना राशन आ रहा, ना अकाउंट में पैसे आ रहे, ना कुछ नहीं, क्या नहीं, दवाखाने को जाने पैसे नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, बहुत परेशानी जा रही है हमारे को। इस सेवा में जाके लाइन में ठहरना धूप में, वहाँ गए तो वहाँ भी तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है, हो रहे, हर तरफ से परेशानी आ रही है। हुकूमत से गुजारिश है कि पानी तक खरीद के पीना पड़ रहा हमारे, हम पानी तक खरीद के पी नहीं सक रहे। ये बस्ती में ऐसा परेशानी हो गई है, पूछो मत, कोई आगे देख रहे नहीं। यहाँ पे हमारे अदबान गुजारिश है, ये बस्ती में आके जरा इंक्वायरी करो, यहाँ आके देखो जरा क्या क्या हाल आता है, यहाँ परेशानी क्या क्या जा रही है हमको, ये परेशानी देख के आप सॉल्व करो, बस मेहरबानी आप लोगों की, हमारी मदद कीजिए, ये लॉकडाउन खोल दीजिए, हम लोग कुछ भी कर ले सकते हैं, मदद, हमारे शोहर कमाते हैं, हम लोग खा लेते, ये दवाखाने पर हम बीमार रहना, घर में रहना, हर तरह से हम लोगों को परेशानी हो रही है, रुके रहना पड़ रहा, रखना अकाउंट में पैसे आ रहे ना, हमारी गली को राशन आ रहा, हम कितने परेशान हैं। हमारे शोहर लेबर करने वाले, वो भी काम बंद है ना, आटुआ बंद है, बीमार है तो हम लोग दवाखाने को भी कैसा जाना। ये लॉकडाउन खोल दीजिए, आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी, लॉकडाउन खोलने की वजह से हम लोग आपके पास मंगने भी नहीं आते, लॉकडाउन खोल दिए तो कभी हम रिक्वेस्ट, हम लोग हम कमा के खाते हैं, हम लोग हम एक कुछ ये जैसे रहते हैं, इंशाल्लाह आपके पास ये रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, लॉकडाउन खोल दीजिए, नहीं करते ये रिक्वेस्ट, प्लीज बहुत बहुत गुजारिश है आपकी, आप ये मदद कीजिए, लॉकडाउन खोल दीजिए। देखो हमारी बहुत परेशानी है यहाँ पर, लॉकडाउन हटा दीजिए तो फिर हमारी मदद करो, आगे कुछ भी हमारे को ला के दो, राशन पानी कुछ भी नहीं, हमारी हम लोग बहुत परेशान है यहाँ पर, आप हमारी मदद करो, जो भी करना चाहते हैं आप हमारे लिए तक करो। वादे मुस्तफ़ा नादी होटल के पीछे से हम बोल रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं वादे मुस्तफ़ा वादे हबीब से बोल रही हूँ। हाईवे होटल नहादी के पीछे से, सेकंड नहादी के आगे सेकंड लेफ्ट है, ईंटों की भट्टी है, वहाँ से सेकंड लेफ्ट है, वहाँ से बोल रही हूँ मैं। हमारे पास कोई राशन की नहीं हुई, रमजान के दिनों में इतने फाके फाके गुजारना पड़ रहा, बहुत मजबूरी में दिना जा रहे हैं हमारे, कोई भी हमारी मजबूरी समझ सकते तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते करके हमारे को कुछ भी हो सकता करो, और हमारी हुकूमत से हमारे बहुत ज्यादा शिकायत है, हमारी हुकूमत से, हमारी हुकूमत हमारे कुछ भी इमदाद नहीं करी, हमारी हुकूमत इसे हमें पैसे अकाउंट में पैसे आ रहे बोल रहे, राशन कार्ड के 500 रुपए आ रहे हैं जीरो बैलेंस के, बोल रहे हमारे एक भी पैसा नहीं आया, हमारे कुछ भी मदद नहीं हुई। इस सेवा को गए तो बैंक में जाओ बोलते, बैंक को गए तो इस सेवा में जाओ बोलते, हमारे कुछ एक पैसे की मदद नहीं, हमारी हुकूमत से बहुत शिकायत है हमारे को, हमारे पानी खरीद के पीना भी नहीं हो रहा, हमारे आदमिया घर में बैठ के हमारे बहुत परेशानी आ गई, अगर ये लॉकडाउन खुल गया तो हमारे आदमिया कमा देते, हमारे माशाल्लाह हमारे घर के गुजारे के लिए बहुत अच्छा खासा हमारा इंतजाम हो जाता, अगर चाहे तो हम एक को दिए जैसे इंशाल्लाह हमारे पास उतना रहता। ये लॉकडाउन 2 महीने के रहने के बाद जैसे हम 2 महीने तक खामोश बैठे, अब रमजान है और 10 दिन ही रमजान है, ईद के सामने हमारे घर में आके देख सकते, कोई भी आ सकते हमारे घर में देख सकते, एक अनाज का दाना नहीं है हमारे पास, छोटे छोटे 2-4 महीने के 5 महीने के बच्चे है, हम दूध तक नहीं मंगा सक रहे, बच्चों को पानी शीशी में डाल के पिला रहे, हमारी मजबूरी है, बहुत बहुत गुजारिश है आपकी, कोई भी अगर हमारे मदद करना चाह रहे हैं तो हमारे को कर सकते। हम वादे मुस्तफ़ा शाहीन नगर वादे मुस्तफ़ा से बोल रहे हैं। वादे मुस्तफ़ा में हमारा एक एरिया है वादे हबीब, यहाँ पर ना कोई राशन की कोई भी ला के अब तक मदद नहीं दिए, कोई भी हमारे को कुछ भी मदद नहीं करे, हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे आदमियाँ लेबर का काम करते हैं, पूरा काम बंद है लॉकडाउन की वजह से, हमारे को ये मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ रहा, मीडिया में औरतों को बेपर्दा होकर बोलना पड़ रहा हमारे को, और हम लोग इससे पहले भी मीडिया में बोले, हमको अब तक कुछ भी मदद नहीं हुई, तो आप लोग कोई भी हमारे को मदद करो तो बहुत बहुत शुक्रिया होता, जो भी हमारी मदद कर सकते प्लीज कीजिए। वादे मुस्तफ़ा में हम वादे हबीब में रहते, नहादी से सेकंड लेफ्ट हमारी गली है, अगर आ सकते तो ये रास्ते पे आ सकते, आके वहाँ ठहर के भी फोन कर सकते, हमारा बच्चा आके बुला लेके जाते, आप लोग जो भी मदद करना चाह रहे हैं तो ये नंबर पे कर सकते फोन 6300195343, ये नंबर पे कर सकते हैं, नंबर में फिर से डबल से बोल रही हूँ 6300195343। ये वादे मुस्तफ़ा का एरिया है, ये वादे हबीब से बोल रही हूँ मैं।
यहाँ शुगर बीपी के लोग बहुत है, यहाँ ना पैसा है ना कुछ है गोलियां खरीदने के वास्ते में, यहाँ मेडिकल भी खुला नहीं ना दवाखाना खुला है, हम कहाँ से खरीदेंगे। आप लोग कोई भी आ रहे नहीं, पूछ रहे नहीं, कुछ भी नहीं, हम लोग कैसा क्या करेंगे। और दवाइयाँ हमारे को पहुँचा दीजिए, कोई भी मदद करे तो अच्छा रहता। ना पैसे भी नहीं है हमारे पास गोलियां खरीदने के वास्ते में, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लॉकडाउन लग के इतने दिन हो रहा, कोई भी आ रहे नहीं है गली में, दूध की परेशानी, बच्चों की राशन की परेशानी, हर चीज की परेशानी है। ये एरिया में कोई नहीं आ रहे, कोई पूछ रहे भी नहीं, हुकूमत कर रहा सब कुछ नहीं। कोई भी नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहे, हुकूमत आ रही ना कोई आ रहे ना कुछ आ रहे हमारे पास, हम लोग बहुत परेशान है। कोई भी मदद कीजिए, कोई भी मदद कीजिए।